कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के काफिले में चल रही एक कार सड़क हादसे का शिकार हो गई। दमोह से हटा जा रहे काफिले में शामिल एक कार के चालक ने काफिले को ओवरटेक करने का प्रयास किया। इससे कार अनियंत्रित होकर वनगांव के पास एक पेड़ से टकरा गई। इसमें 3 लोग सवार थे। इस दुर्घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना के दौरान काफिले के साथ चल रहे DSP ने दोनों घायलों को अपने वाहन से फौरन जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उन्हें प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है। घायलों में एक जबलपुर के शिवनगर कॉलोनी निवासी और दूसरा रीवा के क्योथर का निवासी है। बड़गांव के अंक की ये घटना है। कई गाड़ियां संख्या में चल रही थी, 2 संख्या में चल रही थी और ये गाड़ी देखते देखते एकदम से रोड के बाईं साइड एक पेड़ लगा था, उससे जाकर टकरा गई और उसमें 2 लोग घायल हो गए हैं और अस्पताल भर्ती कर लिया गया। दमोह से शांतनु भारत, सागर TV न्यूज़।